अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महासंघ के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी ने घोषणा किया है कि राष्ट्र के आधार स्तंभ सरपंच, पंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, सचिव, रोजगार कर्मियों के मुकदमों की निःशुल्क पैरवी करेंगे। ऐसे कर्मचारियों या जनप्रतिनिधियों को जिनको रंजिशन फंसाया जाता है ताकि वह निर्भय होकर जनता की सेवा कर सके एवं पंचायती राज एवं पंचायत स्वराज अधिनियम के प्रावधानों को पूरा कर राम राज की परिकल्पना को साकार रूप दे सके। राजकुमार सिंह तिवारी ने कहा कि हिंदुस्तान ग्रामों से बना है, ग्राम से ग्राम पंचायत होती है, जिनको सिद्धांत रूप से सांसद की तरह अधिकार प्राप्त किए गए हैं। ग्राम राष्ट्र की आत्मा एवं आधारशिला है। जब ग्राम पंचायतें पूर्ण विकसित एवं मजबूत होगी तभी हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया विश्व के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। ने आपको चुन के फील्ड में लाया, आप हमारा काम कीजिए। काम के लिए जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा ये है, ये नियम वो नियम। सैद्धांतिक रूप से आप कहते हैं कि आप संप्रभु हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं, संप्रभु नहीं है। हम लोग प्रताड़ित हैं, तो प्रताड़ना के दंश को झेल रहे हैं, तरह तरह के मुकदमों को दंश को झेल रहे हैं। तो हमने ये कमिट किया है, हमने ये तय किया है, निर्णय किया है, संकल्प लिया है कि मेरे रहते, मेरे परिषद के रहते किसी भी पंचायती राज प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि के ऊपर अगर कोई भी झूठा केस मुकदमा लगाया जाता है तो उसकी पंचायत की पैरवी हम अपने परिषद की तरफ से निःशुल्क करेंगे, निःशुल्क करेंगे, निःशुल्क करेंगे। ये केवल रीवा जिले में आप लोगों का हम देखिए ऐसा है कि नहीं, आपका कहना सही है, ये प्रदेश व्यापी ये वो है, बल्कि हिंदुस्तान का अगर आप कहिए तो हमारा चूंकि कार्य क्षेत्र रीवा है और रीवा के अलावा अगल बगल के जिलों में है। अगर ये है कि कोई बहुत ही पीड़ित है, वो सक्षम नहीं है, अगर वो गुहार लगाता है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। हम अपनी पैरवी, उनकी पैरवी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको निर्देश रूप से बरी कर दिया जाए। और मेरी सबसे अपील है कि हमने पहले ही कहा कि पंचायती राज महान है और सरपंच उसी की जान है, तो जब जान को ही आप निकाल लेंगे तो पंचायती राज मृतप्राय हो जाएगी। तो जब मृतप्राय हो जाएगी तो जो देश का आधार है तो फिर वो जब जिंदा ही न रहेगा, सर्वाइव न करेगा, तो कैसे हम लोग क्या कर पाएंगे। तो हमारा ये विनम्र निवेदन है आप सबसे, आज विवेकानंद की जयंती जी है, यूथ जो है, इसके पहले भी हमने अपने परिषद के माध्यम से युवाओं का, पीड़ितों का, शहीदों का और आप पत्रकारों का, पत्रकार बंधुओं का, दिव्यांगों का, इस तरह के कई लोगों की निःशुल्क पैरवी करने का संकल्प लिया हुआ, जिसको करते रहते हैं हम। इसी कड़ी में ये है, अगला कड़ी ये है कि सरपंच बंधु जो प्रताड़ित हैं, जिनके ऊपर जो निर्दोष हैं, मुकदमों में फंसाया जा रहा है, मुकदमों में फंसाया गया है, चाहे वो निर्वाचित हों या भूतपूर्व हो चुके हैं, सबकी मुकदमों की पैरवी निःशुल्क की जाए। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।